लड़कों की चीजें कुछ पड़ी है, लड़कों की क्या है? पड़ी है ये तो बच्चों वाली है। 14 अगस्त 19 तारीख को होगी और ईद की नमाज सुबह इंशाल्लाह 8 बजे हम पढ़ने जाएंगे। ये जो है वो खत्म हो गई हैं और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको हैप्पी 76 इंडिपेंडेंस डे। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सी झंडियाँ वगैरह लगानी हैं और सबसे पहले जो है वो मार्केट में चेक करते हैं कि रेट क्या चल रहे हैं इस साल झंडियों के और साथ में जो धागा होता है झंडियाँ लगाने का और बाकी चीज़ों के भी रेट चेक करते हैं। चलिए झंडियों का क्या रेट है? ये 40 की, ये 10 की, ये तो मुझे इसमें 10 एक ही लग रही है। 1 रुपए की एक झंडी, वही 1 रुपए की तकरीबन 1-1.5 पड़ेगी ज़्यादा। और ये 20 की, इसमें भी इतनी है यार, बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं। पिछले साल तो 2-3 साल पहले हमने ली थी तब तो बड़ी सस्ती थी। ये बाजे कितने वाले हैं? वो बड़े वाला बाजा नहीं पड़ा 2 फुट वाला लंबा सबसे जो, वो खत्म हो गया। ये कितने वाले पड़े? ये वाला है आपको 80 का लगा देंगे, ये 150 और ये बजा के तो दिखाओ फर्क है कोई। अब वो वाला बजाओ बड़े वाला। यार झंडिया बड़ी महंगी है यार, है ना? महंगी है ना बड़ी। आपने कौन सी लेनी है? हमने तो यासी वाली लेनी है, लेकिन ये 50 रुपए। झंडे कितने वाले हो गए? जब हमने पिछली बार लिया था तब 120 का लिया था हमने इतना झंडा, आप कितने का? ये वाला 200 का। ओए होए बड़े महंगी हो गए। ये लड़कियों की है सारी चीजें? लड़कों की चीजें कुछ पड़ी है, लड़कों की क्या है? पड़ी है ये तो बच्चों वाली है, मेरे उम्र के बच्चे के लेकर आएंगे ये तो इसके लिए। हाँ ये है, हाँ ये बाजू वाली। हाँ इसका क्या रेट है? ये 100 रुपए जोड़ी होती है। कपड़ा चेक करवाना इसका? इसका रेट मुनासिब करो फिर हम, मैं ये लूंगा तो ये बाकी चीजें मुझे महंगी लग रही हैं। नहीं यार इसका मुनासिब करो, इसका कपड़ा थोड़ा सा सही नहीं, वैसे हल्का सा है। आप बताओ ना इसका। मैं तो सो, आप बताओ। नहीं यार मैं आखिरी बता रहा हूँ, 1 एंड लास्ट। कितना कितना है यार? 70 की होगी, है ना? हल्का कपड़ा, हल्का है बिल्कुल। इसका 70 आखिरी फाइनल? नहीं यार कपड़ा देखो ना, कपड़ा बस सारा बीच मैंने नजर आता है, देख लो 70 का है आखिरी। बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, बाजा चेक करवाओ। हाँ बाजा बजाओ, ये हमारा ना पम 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 पम। नहीं यार धागा नहीं पड़ा हुआ ना, फिर आपके पास धागा ही हमने लेना था। धागा ना तो कि ले जाओ कहीं और से, हाँ मिल जाएगी। ओके तो आपने रेट चेक कर लिया, हर चीज़ बड़ी महंगी हो गई है। ये 10 रुपए की है, इसमें 14 झंडियाँ तो हमने घर में, हमारे पास पहले ही पड़ी हुई हैं, हम घर में ही चलते हैं वहाँ पे। चलो भाई बाइक चलाओ। ओके तो झंडियाँ जो आपने वहाँ पे देखी हैं 10 रुपए की 14, और ये हमने पहले से हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये तो तकरीबन 200 से तो आराम से ऊपर होंगी, ये बहुत ऊपर हैं। ये देखिए आप बहुत ज़्यादा हैं, वजन भी करें तो ये 300 ग्राम आराम से निकलेगा।
बहुत ज्यादा झंडियाँ और ये फ्री में है, वहाँ पे 10 रुपए की 14 झंडियाँ दे रहे थे हमें। और ये हमने इसका जो वो क्या कहते हैं इसे, देसी वो टोटका झंडियाँ लगाने का, आटा गीला गरम करके, और ये साथ में डोर इसके साथ भी हम लगाएंगे, क्योंकि ये धागा जो है ये किसी भी दुकान पर मिल भी नहीं रहा वैसे भी। और ये थोड़ा सा पहले से पड़ा हुआ था। ये पहली लड़ी है जो अभी तक हम लगा रहे हैं, ये दो लड़ियाँ हमने नीचे पहले बना के रख ली। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, यार ये हमने जो है ये झंडियाँ वगैरह जो है वो बाहर 3 लड़ियाँ लगा ली और तकरीबन 4 लड़ियाँ हमने ये तैयार करके रख ली हैं। लेकिन हमने तैयारी वगैरह तो कर ली है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि 14 अगस्त किस तरीक हो। यार आपको कुछ पता है 14 अगस्त किस तरीक? 14 अगस्त ना वो जो है ना जो जुमरात आ रहा है अगला, हाँ उस दिन हम मनाएंगे 14 अगस्त। हाँ उस दिन को तारीख क्या है? तकरीबन 19 हो जाएगी, 19 अगस्त को 19 को मनाएंगे। अच्छा और नमाज वगैरह का? नमाज तो फिर वही होती है 8 बजे। हाँ जी, तो इंशाल्लाह 14 अगस्त 19 तारीख को होगी और ईद की नमाज सुबह इंशाल्लाह 8 बजे हम पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तब तक हम ये लगाते हैं, पूरा करते हैं। तो तकरीबन 40% हो गया, 7 लड़ियों 9 लड़ियाँ भी रहती हैं। और अभी जो है पानी का वक्फा हो गया मैच में, यहाँ पर हमने जो है गेम बना दी तकरीबन। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, ये है भी डोर, अगर आपको नज़र ना आए तो आपका गला भी कट सकता है इसमें से। ये यहाँ पर भी है, ये नज़र नहीं आ रही कैमरे में बिल्कुल भी। ये देख सारा काम इसने कराया, ये सारी के सारी 8 की 8 दरियाँ इसने बनाई हैं, इसे पसीना भी नहीं आया अभी। ये नीचे गेम ही खेल रहा था, अभी इसे ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया क्योंकि ऊपर लेके जाने के लिए एक और बंदे की जरूरत है। यहीं पर देखिए यहीं पर रश हो गया सारा। ओके सो फाइनली ये आप देख सकते हैं धूप में साया सारा तकरीबन हमने लगा दिया है। वहाँ पर आगे सीढ़ी हैं इसलिए वहाँ पर एक और आ सकती थी, लेकिन झंडियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अभी जो है शाम हो चुकी है क्योंकि तब थी सुबह, और दोपहर के बाद झंडियाँ हमने लगा ली थी। और अब जो है शाम तकरीबन 6 बज रहे हैं, और जैसे ही झंडियाँ लगाई जाकर सबसे पहले मैं नहाया, कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और देखते हैं कि ऊपर से कैसी लग रही हैं। ओके सो दिस इज़ द फाइनल व्यू एंड आज का व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म, और आपसे मुलाकात होगी शायद कल, क्योंकि कल है कॉलेज में फंक्शन 14 अगस्त के हवाले से, तो हो सकता है कि मैं वहाँ का एक व्लॉग बना लूँ। तो कल मिलेंगे, नहीं तो फिर किसी और व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।